नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 2446 दरोगा बहाली से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि दरोगा बहाली पर पटना हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और फिलहाल अनिश्चितकालीन रोक दरोगा बहाली पर लगा दी गई है। 2446 दरोगा बहाली का जो पूरा अंतिम रिजल्ट था वो जून के महीने में जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद से कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट में ये मामला फंसा हुआ था और हाई कोर्ट में पिछले दिनों भी सुनवाई हुई थी। वो टाइगर जंप और मेडिकल के अभ्यर्थी थे, लेकिन आज जो कट ऑफ से अधिक मार्क्स लाने वाले अभ्यर्थी थे वो आज हाई कोर्ट में उनकी रिट याचिका पर सुनवाई हो रही थी। और आज 18 मिनट के बहस के बाद पटना हाई कोर्ट के जज ने इस पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है और साथ ही ये कह दिया है कि अगर किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है तो जब तक कि ये मामला पूरी तरह से सलट न जाए, जब तक कि अभ्यर्थियों की जो भी रीट याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई ना हो जाए, फैसला ना आ जाए, तब तक किसी भी अभ्यर्थी को अब ज्वाइनिंग लेटर फिलहाल नहीं दिया जाएगा। तो 2446 दरोगा बहाली के ऊपर पटना हाई कोर्ट का ये फैसला निश्चित तौर पर 2446 जो दरोगा अभ्यर्थी थे उनके लिए कई महत्वपूर्ण रास्ते तो खोलेगा ही। उनके लिए कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका हमें फ़ोन आ रहा था, वो कह खुश थे, लेकिन जिनका हो गया था, जो ज्वाइनिंग के इंतज़ार में थे, जो इंतज़ार में थे नियुक्ति के, उनके लिए थोड़ी निराशाजनक खबर आई है हाई कोर्ट से कि अब फिलहाल अनिश्चितकालीन रोक लगा दी गई है। और आज पटना हाई कोर्ट में 18 मिनट के बहस के बाद ये फैसला आया है और ये फैसला आने के तुरंत बाद ही हम आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं आप तक कि पटना हाई कोर्ट ने 2446 दरोगा बहाली, जिसका विज्ञापन 2019 में आया था, जून के महीने में 2021 में इसकी मेरिट लिस्ट जारी की गई थी और उस पर पटना हाई कोर्ट ने अब रोक लगा दिया है। और इस पर अब जब तक कि पूरी सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक किसी भी अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इस मामले पर जो अधिवक्ता थे उनसे भी हम बात करेंगे बहुत जल्द और वो वीडियो भी हम जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।